नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 और 6 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, यश में ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन्हें दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके बहुत ही ज्यादा लाभ कमाएंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन दोनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 5 अप्रैल की दिन सोमवार का दिन रहेगा। कृष्ण वर्ष की नवमी तिथि और उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र रहेगा। शुरुआत सिद्धि नाम का शुभ योग दिन रहने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:51 से लेकर सुबह के 9:24 तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को ना करें और चंद्रमा दिन धनु के उपरांत मकर में संचार करेंगे। वही दोस्तों, 6 अप्रैल की दिन मंगलवार का दिन होगा। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और श्रवण नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, ये दिन भी शादी नाम का शुभ योग रहने वाले हैं और राहु काल का समय शाम के 3:35 से लेकर शाम के 5:07 रहेगा। चंद्रमा मकर में ही दिन संचार करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की तिथि है और चंद्रमा का यह बदलाव आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में यदि आपका जीवन साथी कामकाजी है तो ये जो समय है उन्हें कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है तथा आध्यात्मिक धन लाभ होने की संभावना रहेगी, जिसके चलते आपको भी जो है लाभ होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी यश में जो है खुशियों की बरसात होगी। इन दिनों में दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे कार्य सफलता हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव को लेकर बात करें तो इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे मिला जुला समय रहेगा। इन दिनों में आपको क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखने की जरूरत होगी, अन्यथा दोस्तों विवाद होने की संभावना रहेगी। तनावग्रस्त जीवन रहेगा लेकिन आपको संयम व फिर धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए अपने परिवार के विचार जो है आपस में नहीं मिलते हैं तो भी यश में आप उनके सहयोग को सहारेंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपके सामने कुछ नई चुनौतियाँ और परेशानियों से भरा समय होगा। आपको कुछ मामलों में अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप अपने पक्ष में सही हैं तो अपनी बात पर कायम रहें। दोस्तों, यह आपको जीत दिलाएगा। कुछ लोग नया काम शुरू करने की जो है यश में मन बना सकते हैं। नया काम करने के लिए जो समय है अनुकूल समय होगा। आपको अपने दोस्तों और पुराने साथियों से इन दिनों में मदद मिल सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में जॉब में जिम्मेदारी या फिर स्थान का परिवर्तन संभव है। ये आपके लिए जो है आपके हित में हो सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में खर्च पर आपको नियंत्रण एवं धन संबंधी लेन देन में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में परेशानी आएंगी और कार्यभार की यश में जो है अधिकता रहेगी। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए इन दिनों में समय होंगे, आप और आपके परिजन हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करें। आप उनके साथ कहीं बाहर पिकनिक या फिर फिल्म देखने भी जा सकते हैं। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपको अपने साथी या फिर प्रेमी के मन की बात जानने का मौका मिल सकता है। यानी दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए कुल मिलाकर आपके रिश्तों में प्रगढ़ता आएंगी। वहीं दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए अगर आपकी हेल्थ के लेकर बात करें तो दोस्तों आपको इसमें जो है कंधों में दर्द या फिर खिंचाव रह सकता है, इसकी समस्या हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों में आपके आत्मबल में थोड़ी कमी आएगी, संभव हो तो सुबह की सैर पर आप ज़रूर जाएं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपकी भाग्यशाली रंग रहेगा किरमजी और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों, इन दिनों में गणेश जी कहते हैं कि आप भावनाओं को किनारे रख कर कार्य पर ध्यान अधिक देंगे। दोस्तों, इन दिनों में अपने आसपास के लोगों की जो मांग यश में पूरी करने में आपका जो समय है वह व्यतीत हो सकता है, परंतु आप जितनी जो अधिक मांगे पूरी करने का प्रयास करेंगे उतनी ही अधिक इच्छाएँ और मांगे बढ़ने की संभावना यश में गणेश जी दिखा रहे हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में
दुर्भाग्यवश आप समय पर काम खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। जब आप सोचेंगे कि अपने कामकाज के दिनों का जो कोटा है उसे पूरा कर लिया है, तो अधिक काम का ढेर या आयस में जो है आपके पास लग सकता है। दोस्तों, गणेश जी कहते हैं कि कार्यों की योजना बनाना और शेड्यूल करना आपके लिए लक्ष्य या फिर डेली लाइन को प्राप्त करने में मदद करेगा। दोस्तों, यह समय जब चीज़ें पूरी नहीं होती है तो आपको तर्क का उपयोग करना चाहिए। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको देर तक काम करना पड़ सकता है, और जब तक आप घर पहुंचते हैं तब तक आपका प्यार जो है सो सकता है। दोस्तों, इस तरह जो है आपका अपने प्यार को पर्याप्त समय आप नहीं दे सकेंगे, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप देर से आते हैं और रोमांस को उत्तेजित करने के लिए अपने प्यार को मजबूर करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में काम नहीं करेंगी। वहीं दोस्तों, इन दिनों में गणेश जी का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपका प्यार जो है आपको खर्चा करवा सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे ऑफिस में गतिविधियों से भरा समय होगा और आपको कठिन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता होगी। आप उन्हें हल करने में पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे। इन दिनों में आप विशेष कौशल का उपयोग करके उन्हें हल करने में सक्षम होंगे, लेकिन आपका साथी जो है आपके प्रति सहायक नहीं होगा और ये चीज़ आपको दुखी कर सकती है। दोस्तों, इन दिनों में आप हर इंसान को गौर से सुने, हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। विवाहित दाम्पतियों को यह समय अपने संतान की ओर से शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों, इन दिनों में रसोई के लिए जरूरी चीज़ों की खरीदारी आपको जो है व्यस्त रखेगी। दोस्तों, इन दिनों में रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए जो दिन है बेहतर दिन होगा। वैवाहिक जीवन के लिए जो आपका अनुभव है पहले से अच्छा रहेगा। जिंदगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन करने में ही है। यह बात ये जो दिन है आपके जीवन पर आ सकती है, क्योंकि आपके घर में ये जो समय है स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में जौ के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से आपके जो पारिवारिक जीवन में झगड़े नोकझोंक होते हैं वह खत्म होंगी और आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दोस्तों, यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे सरल उपाय है यश में आप श्री हनुमान जी का यंत्र स्थापित करें और नित्य पूजन दर्शन करते रहें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि धनदाय यंत्र भी आप स्थापित करें और नित्य दर्शन करें। यू नमो नारायण का जो है 3 माला जाप जो है आप करें। इनसे दोस्तों आपके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे और आपकी जो धन दौलत की जो है स्थिति उनमें बढ़ोतरी होंगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आप यश में इष्ट देव का भी स्मरण कर केसर का तिलक प्रतिदिन नाभि, कंठ और फिर माथे में लगाएं। दोस्तों, 6-6 ग्राम की 4 ठोस चांदी की गोलियां सफ़ेद कपड़े में लपेटकर हमेशा पास रखें। इसमें दोस्तों वृद्धि के साथ साथ शांति भी बनी रहती है। तो दोस्तों, इन सभी उपायों में से कोई एक उपाय इसमें आप ज़रूर करें जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाले हैं। और शादी दोस्तों, और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।